आदाब, नमस्कार, जय हिंद। पेशे खिदमत है आपका अपना प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक चन्नी साहब का, जो कहते थे भी पंजाब दे कर दे मसले हल चन्नी, वो चन्नी साहब पर। दूसरा भाई अमृतपाल पर। पहले भाई अमृतपाल की बात कर लेते हैं। 28 दिन हो गए हैं उनको रूपोश हुए, रूपोश ही कह सकते हैं, रूपोश हुए। अभी पंजाब पुलिस के हाथ में नहीं आए वो। दोस्तों, एक बात यहाँ हम ज़रूर कहना चाहेंगे, हमने सुना है, देखा है लोगों को, वो ये कहते हैं कि भी पंजाब पुलिस के वो कब्ज़े में है और इलेक्शन के जब टाइम नज़दीक आ जाएगा तब उसको पकड़ा जाएगा, ये ड्रामा रचा जाएगा। मैं ज़ाती तौर पर इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुत्तफिक कहते हैं हामी भरता, मैं आपसे इन जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब 25-26 दिन से, 28 दिन से हमारी पंजाब पुलिस इतनी दिन रात मेहनत कर रही है, वो मेहनत एक दिखावा नहीं हो सकती, वो कोई मॉक ड्रिल नहीं हो सकती, वो एक ड्रामा नहीं हो सकता। और अगर मान भी लें चलो पंजाब पुलिस कर रही है, तो राजस्थान पुलिस को क्या ज़रूरत है कि हमारा साथ दे, नेपाल पुलिस को क्या ज़रूरत है, हरियाणा पुलिस को क्या ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल ड्रामा नहीं है। और कुछ हद तक मैं जो मौजूदा हमारे DGP साहब हैं गौरव यादव, उनसे भी एक दो बार मिला हूँ आलम साहब के ज़रिए से। आलम साहब एक मिसाल हुआ करते थे पुलिस में, उन जैसा पुलिस ऑफिसर, जांबाज और पुलिस अफसर अब शायद नहीं होगा। शायद को हो भी जाए, मैं कह नहीं सकता। तब उनसे मुलाकात होती थी, तो मैं गौरव को जानता हूँ। गौरव बेशक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, नो डाउट अबाउट इट, कोई दो राय नहीं कि उसने 7 या 8 को सुपरसीड करके बने हैं वो। ये चलता आ रहा है, सदियों से चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन गौरव इतना ड्रामा कर सके ये नहीं हो सकता। गौरव इज़ ए अपराइट ऑफिसर, गौरव इज़ ए ऑनेस्ट ऑफिसर, ये मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, आज की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिक्स की बांधी हो गई है, पॉलिटिक्स के पाँव की जूती बन गई है, लेकिन वो इसलिए होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स चमचे बन जाते हैं या जी हजूरी करते हैं, क्योंकि उनको प्लम पोस्ट चाहिए। और जो भी कोई प्लम पोस्ट, वो उसको तभी मिलेगी अगर वो मौजूदा हुक्मरान की हाँ में हाँ नहीं करेगा। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा, ये कहना कि ये पंजाब पुलिस ड्रामा कर रही है, बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ भाई अमृतपाल से फिर गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा चैनल ये पहला चैनल था सारी दुनिया में जिसने सबसे पहले भाई अमृतपाल से गुजारिश की थी कि भाई तू सरेंडर कर दे। बाद में सिंह साहब ने भी कहा, अकाल तख्त वालों ने, और फिर अब तो DGP साहब, गौरव यादव साहब भी कह रहे हैं, मान साहब भी कह रहे हैं। तो मैं फिर अमृतपाल को बात कहना चाहता हूँ कि दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे बेटे, कुछ नहीं हासिल होगा। तेन आपने देखा अमृत, आज जो आतिक और वो उसका बेटा हसन और उसका भाई सब गोलियों, चाहे वो एनकाउंटर था या कोई मार गया, इट्स अ डिफरेंट, इट्स ऑल टुगेदर नॉनसेंस। वो हम सबको पता है कि बुराई का अंत बुरा होता है। आप अब अगर सरेंडर कर दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, 4-5 साल की सज़ा है यार, कोई लंबी बात नहीं, हमने काम भी तो थोड़े से गलत किए हैं ना, तो 4-5 साल की सज़ा कुछ नहीं होती। बनिस्बत कि आपको कोई आपका एनकाउंटर हो जाए या आपको मार दिया जाए, आपकी सोचिए, जो कोई अगर उसका जान पहचान वाला देख रहा हो उस तक बात पहुंचाए कि अभी उसकी शादी हुई है 4-5 महीने पहले, उसकी बीवी के भी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा होगा, उसके माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर इसको कुछ हो गया तो उसकी बीवी, उसके माँ बाप कहाँ जाएंगे यार। ये उन चमचों से बचो जो कहते हैं कि आप आका हो, आप कौम के रहनुमा हो। आदमी चला जाता है, भोग पड़ जाता है, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाती है, उसके बाद कोई नहीं पूछता यार। तो बी प्रैक्टिकल, वापस आ जा, सरेंडर कर दे यार, और अपनी नॉर्मल, जेल से जब रिहा होकर आएगा नॉर्मल ज़िंदगी काट। बहुत खून खराबा, खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होता दोस्त। कोई सल्तनत, कोई दिल, आप सल्तनत तो जी सकते हो लेकिन दिल नहीं जी सकते, गोली से, बंदूक से, तोप से। वो जीतने हैं तो आपके, आपकी ज़ुबान जिताएगी, आपकी कलम जिताएगी।
तो वापस मैं फिर एक बार कहता हूँ, वापस आइए और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी काटिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब दूसरा मुद्दा है चन्नी साहब का। अभी कल ही उनको अपना पंजाब विजिलेंस से उनको मधु किया था, मधु कहते हैं बुलाना अपने ऑफिस में कुछ डिसप्रोपोर्शनेट केस के बारे में। तो मेरे को चन्नी साहब की एक बात समझ में नहीं आई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो पड़े हैं और फिर वो कहने लगे कि मेरे को ये मार देंगे। चन्नी साहब, विजिलेंस में आपके कितने साथी जेल में जा चुके और कितने तैयार हैं जेल में जाने के लिए, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी ने ये बात नहीं कही कि विजिलेंस हमें जान से मार देगी। विजिलेंस के पास जान से मारने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दिया है, जो आपको नहीं देना चाहिए था कि आपको ये विजिलेंस वाले मार देंगे। ठीक है यार, इंक्वायरी चल रही है चन्नी साहब, तो उसको फेस करो। फिर आप कहते हो कि मेरा जद्दी मकान कुर्क है। आपने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न में 10 करोड़ रुपया शो किया 22 के इलेक्शन में, तो कितने में कुर्क है, तो उसमें से आप छुड़वा क्यों नहीं लेते? तो ये ड्रामा ही क्यों कर रहे हो आप? ये आप क्या सुहाया, आप लोगों की सिंपथी किस लिए आप इन 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 बेकार बातों से हासिल करना चाहते हो? अगर आपने, मैं नहीं कहता आपने कुछ किया, हम कहने वाले कोई होते ही नहीं हैं, ना हमें कहना चाहिए ना हम कहेंगे। ठीक है, कुछ आप लोगों के खिलाफ उनको मिला होगा, सरकार को पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है मान लो, लेकिन अगर विजिलेंस ने बुलाया है तो जाइए उनसे बात कीजिए, उनको जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड दीजिए, ना कि यार ये बेकार की बातें, मुझे मार देंगे, मैं दलित हूँ इसलिए। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? क्या बाकी दलित को जो है उनको नहीं इंक्वायरी की जाती? यू मस्ट फेस द इंक्वायरी। ये कहना बंद कीजिए, बी बोल्ड। ये ड्रामों से कभी ज़िंदगी कामयाब नहीं होती और आपको अपने गिरेबा में झांक कर देना चाहिए। आप अगर इतने पॉपुलर हो तो दो जगह से खड़ा हुए उड़े थे, दोनों जगह से आप हार गए, ये आप भूल रहे हो अभी भी। आप अपने घर चमकौर साहब से भी हार गए थे, भदौड़ की बात तो बात की है चलो, और भदौड़ में आपको एक मोबाइल रिपेयर बंदे ने हराया था। सो थोड़ा सा बी प्रैक्टिकल, ये बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो यार। तो आपके साथी किसी ने ऐसी बात नहीं कही, और जो जा रहे हैं जैसे ब्रह्म जी जा रहे हैं इंक्वायरी के लिए, कुलदीप जा रहा है, कुलदीप वैद जा रहा है, सोनी साहब जा रहे हैं, किसी ने नहीं कहा कि भी हमारी जान को खतरा है? तो ऐसा मत कीजिए, ये सस्ती पब्लिसिटी कोई काम नहीं आएगी। बी प्रैक्टिकल, फेस देम। तो आज मान साहब को कहने के लिए हमारे कुछ नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज़ कि मान साहब पिछले हफ्ते आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि आपने किसानों का मुआवजा चाहे सारा नहीं दिया, शुरू तो किया ना यार, हर चीज़ में निखेधी करना बुराई करना अच्छी बात नहीं, वो दिया, और आपने 8-9 टोल प्लाजा फ्री कराया, जिसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा हाफिज़।